शांति। आज हम मीठे बाबा के 11 अक्टूबर 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा हमें रोज़ याद के महत्व के प्रति सचेत करते हैं। आज बाबा ज्ञान के महत्व के प्रति भी अंडरलाइन करा रहे हैं कि ज्ञान धन बुद्धि में धारण रहे, ज्ञान उछलता रहे। जब ऐसा रहेगा तो बाबा कहते, एक तो खुशी रहेगी और दूसरा ज्ञान युक्त कर्मों से हम क्या बन जाएंगे, चक्रवर्ती राजा। प्रश्न है, किन बच्चों अर्थात मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? तो बाबा कहते, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। क्योंकि बाबा ने ये बताया है, बुद्धि में या तो पाप होगा या बाप होगा। जिनकी बुद्धि में पाप है, जिनकी बुद्धि में विकारों से प्रीत है, उनकी बुद्धि में बाप नहीं रह सकता। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसीलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। जो बाप को जानते ही नहीं, वो तो सारे दिन विषय विकारों में गोते खाते रहते हैं। आज जीवन क्या हो गया है, एक विकार से निकल दूसरे में गोता खाओ, जीवन का यही स्वरूप हो गया है। तो जो गोते खाते रहते हैं विकारों में, उनकी बाप से प्रीत नहीं है। दूसरा प्रश्न, किसे सत्युग में आने का हुक्म ही नहीं है? तो बाबा कहते, बाप को भी सत्युग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीah आ सकता है। ना वहाँ काल आ सकता, ना बाबा आते। क्योंकि जब काल है ही नहीं, बच्चे सुख में हैं, तो बाबा भी वहाँ नहीं आते। जैसे रावण को सत्युग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सत्युग में आने का हुक्म नहीं है। अब बाबा को भला कौन हुक्म करेगा? लेकिन ड्रामा अनुसार ऐसा बना हुआ है कि बाबा सत्युग नहीं आते। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। बाबा का पार्ट तो लिमिटेड है, हमारी तरह अनलिमिटेड पार्ट नहीं है। हम तो आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं, बाबा तो संगम युग में आते हैं, पार्ट बजाते हैं, बच्चों को लायक बनाते, सुखधाम भेज देते और घर लौट जाते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? ताकि हम अटेंशन प्लेस होकर बैठें, अपनी आत्मिक स्थिति में बैठें। बाबा किससे बात कर रहे हैं? मुझ आत्मा से। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो, जिस बाबा जो बाबा समझाने आए हैं उसकी याद में बैठे हो। अंदर में ये ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो ज़रूर दिल में आना चाहिए, जैसे वो यात्रा करते हैं। दुनिया में कौन सी यात्रा होती है? हरिद्वार, अमरनाथ जाने की यात्रा पूरी की, फिर लौट आते हैं। यात्रा की फिर कहाँ लौट आते? फिर वही पुरानी दुनिया में वो लौट आते।
यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। हम जो ये यात्रा करते हैं, इस यात्रा की समाप्ति कैसे होती है? हम और पुरानी दुनिया में नहीं लौटते, हम चले जाते हैं शांति धाम, फिर वहाँ से फिर जाते हैं सुख धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ कर पार ले जाना होता है ना, क्योंकि हमें तो रास्ता ही नहीं पता, तो हमें पार ले जाने के लिए बाबा आकर हाथ पकड़ते हैं। हाथ कौन सा है? बुद्धि का हाथ। बाबा किससे बात कर रहे हैं? आत्मा से। तो आत्मा को कह रहे, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। तो कौन सा हाथ है आत्मा को? बुद्धि का हाथ। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। बाबा कहते, मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब तुम भी मेरा हाथ पकड़ो। और हाथ कैसे पकड़ो? तो बुद्धि को मेरी याद और घर की याद में स्थित करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं, फिर लक्ष्य भी पक्का हो कि अब हम जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, आज ज्ञान पर, ज्ञान बुद्धि में घूमना चाहिए। तो ज्ञान क्या है? समय का ज्ञान कि अब हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, ये सारी बुद्धि की बात है। अंदर में सिर्फ याद रहे, बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है, इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुँचेंगे। बाबा कहते, मैं तो आया हूँ, हाथ पकड़ा है, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, लेकिन जब तुम मेरा हाथ पकड़ेंगे, याद करेंगे बाप को, घर को, तो तुम पहुँच जाएंगे मंजिल पर, शांति धाम की। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, है ना? बाबा एक एक अक्षर स्पष्ट करके समझाते हैं। सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। एक एक सेकंड, जैसे एक एक कदम है, बाबा की याद का एक सेकंड एक एक कदम की तरह है, और हम जा रहे हैं घर। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, बाबा तो अपना कर्तव्य करते हैं, बच्चों का काम क्या है? बाप को याद करना। बच्चे भी करें तो फिर पहुंच जाएंगे घर। आत्मा को ही यात्रा करनी है, हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। आत्मा कौन सी यात्रा करती है? याद की यात्रा। घर पहुंचेंगे, फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं, अब पढ़ाई कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी। भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में ये याद रहे। बाबा कहते, याद की यात्रा निरंतर चलती रहे, शांति धाम की तरफ निरंतर बढ़ते रहें। बाकी फल काम काज करो, वो तो है ना, हाथों से करना है, घूमो फिरो वो पाँव से करना है। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है ना? योग तो बस लगाना है, यात्रा में आगे बढ़ना है। यात्रा का संबंध मंजिल से है, योग का संबंध तो सिर्फ विकर्म विनाश से है। लेकिन अब हमें बुद्धि में ये भी रखना है कि हम घर जा रहे हैं। योग सन्यासियों का है, वो तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तो मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। बाबा कहते, ज्ञान का शब्द योग नहीं है, ज्ञान का शब्द है याद की यात्रा। बाबा हमें याद की यात्रा सिखाते हैं, जिससे हम शांति धाम
पवित्र धाम पहुंच जाते हैं। आत्मा को ये यात्रा करनी है याद की, वो होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं है, आत्मा जानती है। हम आत्माओं को का वो स्वीट घर है, कौन सा, जिस घर को हम जा रहे हैं, शांति धाम। तो यहाँ शरीर की कोई बात नहीं है, यहाँ तो सारी समझ की बात है, वो समझ जो बुद्धि में धारण हो जाती। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये है यात्रा, है ना। यात्रा में सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंच रहे, पर तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बन रहे हैं। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है ना। तो जिसके साथ जाना है, जिसके पास जाना है, उसको याद कर रहे हैं। बाप आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। जब बाप खुद आए हैं पावन बनाने, तो ज़रूर पावन बनाएंगे, और पावन बनाएंगे तो हम पावन दुनिया में ज़रूर जाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं, तुमको इस मृत्युलोक में लौट कर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा सिर्फ ऐसा नहीं कि याद की यात्रा सिखलाते हैं, बाबा को याद करते करते हम बाप के साथ घर पहुंच जाते हैं। बाबा रास्ता बता देते हैं, अभी तुम तो मृत्युलोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे, फिर शांति धाम के बाद कहाँ जाएंगे, अमर लोक में। बाप लायक बना कर ही छोड़ते हैं, सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, है ना। बाप कहाँ तक लेकर जाएंगे, शांति धाम तक। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुँचाना। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि यथार्थ याद का आधार यथार्थ ज्ञान है। सत्य ज्ञान ही यथार्थ याद का आधार है। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना, दुनिया में भी कहते हैं नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, इस ज्ञान से इतनी कमाई होती है। याद के ज्ञान से, धारणा के ज्ञान से, सेवा के ज्ञान से, सत्य के ज्ञान से, जब हम उस ज्ञान को धारण कर कर्म में आते हैं, तो कितनी कमाई होती है कि चक्रवर्ती राजा, राजाओं का राजा बन जाते। बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। फिर हम जाएंगे, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा, है ना। बुद्धि में ज्ञान है, कहाँ खड़े हैं, कौन आया है, कहाँ जा रहे हैं, फिर चक्र कैसे फिरेगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे, है ना। 84 का चक्र याद करेंगे तभी तो स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनेंगे। 84 के चक्र की स्मृति ही हमें समर्थ स्वरूप बनाती है। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वो इनको जानते ही नहीं। किस एक को याद करते हैं सन्यासी, ब्रह्म को। ब्रह्म को ही याद करते हैं, क्योंकि बाप को तो जानते नहीं, ब्रह्म को ही बाप समझते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं, पहले तो घर जाना है। ये है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे।
अर्थात बाप से दूर रहे। कौन से फेरे लगाए, है ना, भक्ति में इतने फेरे लगाए, इतनी यात्राएं की, लेकिन फिर भी बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं, कितने चक्कर लगाए हैं, अब जाने भी कैसे। जब तक बाप खुद आकर परिचय नहीं देते तो जान भी नहीं सकते, वो तो आते ही संगम युग पर हैं। हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं, है ना, ऐसे भी रस्म रिवाज वाले नियम के पक्के होते हैं जो हर वर्ष तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है, फिर क्या है, आजकल तो यात्रा भी एक टूरिज्म का, है ना, जैसे घूमने की विधि हो गई है। ये तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए, बाबा कहते हैं अमर लोक में काल को आने का हुक्म नहीं है, परमिशन नहीं है, काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना, तो रावण की लिमिट कहाँ तक है, पुरानी दुनिया तक। तुम बुलाते भी यहाँ हो, है ना, किसको, बाबा को। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है। और कई बार तो बाबा उलहना भी देते हैं कि तुम मुझे नई दुनिया में बुलाते भी नहीं हो, मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो, सन्यासी तो भाग जाते हैं, वो कोई पावन बन पावन बनाने की सेवा नहीं करते, एकदम गुम हो जाते हैं। आजकल शहरों में भी रहते हैं तो भी कोई पावन बनाने की सेवा नहीं करते, खुद भी पतित बनते हैं आज तो, और अन्यों को भी पतित बनने की है अक्ल देते हैं। पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वो ड्रेस ही बदल देते हैं, है ना, बिल्कुल ही जैसे हुलिया बदल जाता है उनका, जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं ना, कभी मेल से फीमेल बन जाते, कभी फीमेल से मेल बन जाते, तो बिल्कुल पहचान नहीं आते, ऐसे सन्यासी इतना वेश बदल देते हैं। ये भी रूप बदलते हैं ना, शिव बाबा साकार में आते हैं, सत्युग में थोड़ी ऐसी बातें होंगी, सत्युग में ये बातें नहीं होती, घर छोड़ना आदि आदि। बाप कहते हम आते हैं नई दुनिया बनाने, आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो। फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है, आ जाओ सीढ़ी के चित्र पर। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उनों के बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में हैं। वो किन देवताओं के चित्र हैं, जब देवताएं वाम मार्ग में गए उसके चित्र हैं। जगन्नाथ का मंदिर है, यूं तो उनकी राजधानी थी जो खुद विश्व के मालिक थे, अब जगन्नाथ किसकी किसका स्वरूप है, श्री कृष्ण का, तो मालिक थे पर उनको वहाँ पर, है ना, काला दिखाया। वो फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं, तो ये उस समय का चित्र नहीं है जब वो सतोप्रधान स्वरूप में थे, लेकिन जब वही देवता विकारी मार्ग में आए उसका चित्र है। इस जगतनाथ के मंदिर पर तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं, है ना, लेकिन मनुष्य क्या कह देते हैं, भगवान के लिए आप ही पूज्य आप ही पुजारी कह देते, लेकिन शिव बाबा तो आप ही पूज्य आप ही पुजारी नहीं है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी किसका गायन है, देवताओं का। वो लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो। बाप कहते मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूँ, ये तो समझ की बात है ना, बाबा कहते ये तो समझ की बात है, मैं कोई किसी को दुख थोड़ी देता हूँ। अगर समझे, है ना, तो विचार करो कि दुख देने वाले की कोई महिमा होगी, सारी दुनिया उनको पुकारेगी, है ना, ये तो बिल्कुल बेअक्ली की बात है कि कहीं भगवान दुख देते।
बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। लेकिन ये तो ड्रामा है ना, है ना। जब शरीर लिया है तो छूटेगा, और अकाल मृत्यु के समय में तो अकाल ही छूटेगा। तो इसमें किसी को दोष देना, है ना, दोष देना, दोष दृष्टि रखना, ये एक अज्ञान की निशानी है। ड्रामा को ना जानने से, समझ ना होने से दोष रखते हैं। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है। रावण राज्य में है ही अल्पकाल का सुख दुख, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। मेरे राज्य में दुख की बात ही नहीं होती। सत्युग को कहा जाता है अमर लोक। बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें अमर लोक में भेजा था, वहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं थी, ये तो रावण ने तुम्हें दुख दिया। इनका नाम ही है मृत्युलोक, अकाले मर पड़ते हैं। वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है। कहाँ? सत्युग में। बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है, ये अंडरलाइन करना। सारे कल्प में 150 वर्ष से बड़ी आयु नहीं होती, देवताओं की आयु 150 वर्ष होते। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है ना, कलयुग अंत में भी ऐसा होता कि 150 वर्ष की आयु हो, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना, फिर उस आयु का भी महत्व नहीं, क्योंकि सुख में 150 वर्ष हो वो बात अलग होती है। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है ना। देखो बाबा कहते हैं आयु बड़ी होती है जब शरीर को संभाल से रखते हैं। फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टाल टालियाँ निकलती हैं, 50 टालियाँ और उनसे और 50 निकलेगी, कितना वृद्धि को पाते हैं। तो ऐसे ही है ना, एक एक टाली से 50 निकलते है ना, एक से 50 निकले, फिर एक एक से 50 निकलते। ऐसे ही यहाँ जो सृष्टि नाटक में वृद्धि भी ऐसे होती है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, क्योंकि बहुत तेज़ी से है ना, 2 का 4, 4 का 8 होती है, और एकदम फटाफट जैसे वृद्धि हो जाती है। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वृक्ष इतना विस्तार को पा गया और थुर गायब है, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं आगे, वो भी कोई कहते लाखों वर्ष, कोई तो कहते हैं कि देवताएं ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, है ना, स्वर्ग ऊपर है। तो बाबा कहते हैं आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे, ये बातें तो बाबा आए तो ये संकल्प बुद्धि में आए, ज्ञान की ये बातें तो कभी बुद्धि में थी ही नहीं, बाप ही आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सब को जान गए हो, जान गए हो ना, है ना। तो अभी हम जो भी सोचते हैं वो यथार्थ सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है ये कोई नहीं जानते, ना संगमयुग को जानते, ना बाबा के कर्तव्य को जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, ये यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलती है, घूमो फिरो परंतु इस याद की यात्रा में रहो। बाबा कहते याद की यात्रा तो आत्मा को करनी है, घूमना फिरना तो शरीर को है ना, तो आत्मा अपना काम करते रहे, ये है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे, है ना, जिसको याद नहीं भी है ज्ञान से समझते हैं आप कि ज़रूर जाते होंगे, बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भक्त होंगे, और नेचुरली हम ही पक्के भक्त थे इसीलिए तो हमें भक्ति का फल ज्ञान मिला है। बाबा ने समझाया है एक शिव की भक्ति करना वो है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं। आ जाओ सीढ़ी के चित्र पर, पहले शिव बाबा की भक्ति, फिर श्री कृष्ण, फिर श्री लक्ष्मी नारायण, फिर श्री राम सीता,
फिर गणेश हनुमान फिर प्रकृति पूजन तक आ जाते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है क्योंकि उनका शरीर फिर भी सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, आज तो पतित मनुष्यों के पांव धो के पी लेते हैं, वो तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर तो सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिन्न की भी कहानी बताते हैं ना कि चढ़ो उतरो ये काम दिया, तो बाबा कहते हैं अपने मन बुद्धि को किस में बिजी रखो, इस स्वदर्शन चक्र फिराने में, सीढ़ी का चक्कर लगवाओ मन बुद्धि से। ये सब दृष्टांत आदि इस समय के ही हैं, सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। कैसे? भू भू करके, ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाते हो। यहाँ के ही सब दृष्टांत हैं। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। ये तो पढ़ाई है ना, बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, रूहानी यात्रा पढ़ाई की सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है, रूहानी यात्रा में एम ऑब्जेक्ट है। रूहानी यात्रा करते करते हम शांति धाम पहुँच जाते। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, है ना, जो आदि में आते हैं, फिर जो पिछाड़ी में आते हैं उनके कम होते हैं। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था, है ना, और स्वर्ग का पूरा वर्णन अभी हमारी बुद्धि में है। स्वर्ग कैसा था वो भी हमारी पूरी बुद्धि में है। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है, है ना, वैसे तो बेगर बन गए हैं, लेकिन अब बुद्धि से भी बेगर बनना है कि घर भी ये शरीर भी मेरा नहीं, पूरा न्यारा बने तब प्रिंस बने, है ना, इस देह और देह की दुनिया से संपूर्ण आसक्ति छोड़े तब पुरुषार्थ कर बेगर टू प्रिंस बने। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते मेहनत करो। ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए तो बाबा भी घड़ी घड़ी अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव ये याद रखो हम जा रहे हैं, हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, है ना, पूरा बेगर बन जाना। एक भी बुद्धि की रग किसी भी पुरानी दुनिया की न शरीर न वस्तु न व्यक्ति न वैभव में हो, बुद्धि का लंगर उठाकर और बाबा की याद की यात्रा से अभी पहुंच जाना है घर। नैया उस पार जानी है, गाते हैं ना नैया हमारी पार ले जाओ, तो नैया हमारी पार ले जाओ बाबा को खेवैया के रूप में बुलाते हैं, तो कौन सी नैया है, आत्मा रूपी नैया, और कहाँ जाना है, कलयुग से सत्ययुग, कब पार जानी है वो जानते नहीं हैं। तो मुख्य है याद की यात्रा। अब बाबा तो पार ले जाने की विधि बताते हैं, याद की यात्रा करें तो नैया पार जाए। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बाबा कहते बाप को भी याद करो, घर को भी, वर्षे को भी, स्वदर्शन चक्र भी फिराओ। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है। तुम तो बड़े हो ना, तो तुम्हें याद रहना चाहिए बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे। आत्मा झट जान लेती है, ये बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना बाबा करते हैं और स्वर्ग के लायक बनने की विधि बताते हैं जिसको श्रीमत कहते हैं। श्रीमत पर चले तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, तो चलना है तो स्वर्ग का तो श्रीमत पर चलना पड़े।
बाप कहते पवित्र जरूर बनना है, पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वो तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नरक में पड़े हैं, है ना। मनुष्य की बुद्धि में तो विकार के अलावा कुछ है ही नहीं। और बाबा कहते यहाँ तो तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं, इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते हैं, है ना। बुद्धि में ऐसे विकार भरे पड़े हैं कि बाप से प्रीत नहीं रख सकते। विनाशकाली विपरीत बुद्धि है ना, तो प्रीत किससे? विकारों से। बाप आते ही हैं प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है। अगर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है तो ज़रूर विकार भरे पड़े। कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन उनको नहीं मालूम होता, उनको महसूसता नहीं होती। याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं है। बाप मेहनत तो कराते हैं, ये भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। इसका मतलब क्या है? जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं, सब कुछ यहाँ स्थापन होता है, वहाँ सिर्फ प्रारब्ध है। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, ये तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा ये बनते हैं। स्थापना अभी होती है, वहाँ तो बस पद मिलता है। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। और धर्म स्थापक तो जिस युग में आते वही उसी युग में उनका धर्म चलता, लेकिन यहाँ तो संगम युग में स्थापना होती और पद मिलता सतयुग में। तो बाबा कहते बाप आते ही संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रोंग लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत, है ना। ज्ञान को पूरा एक्यूरेट बुद्धि में रखो, क्योंकि जब एक्यूरेट ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो उसके आधार से कर्म भी एक्यूरेट होंगे। ये कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो, है ना। क्यों भूल जाते बाप को? आत्मा नहीं समझते। देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव रखनी चाहिए, आदत रखनी चाहिए समझाने की, भपके से बात करनी चाहिए, है ना, फलक से, निर्भयता से। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। देह अभिमान में होंगे तो उसका पद पोजिशन देख कर अपना कॉन्फिडेंस घट जाएगा। तुम कुमारियाँ ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर होकर समझाना है, क्योंकि सत्य समझाते हैं और सत्य तो हमेशा निर्भयता से सुनाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है, हम हैं रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता, भपके से बात करनी है, फंक नहीं होना है, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। वरदान है व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं जो व्यर्थ और माया से इनोसेंट बनेंगे ना, वही सेंट बनेंगे, महान आत्मा। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो, है ना। वैसे इनोसेंट नहीं, वैसे तो मास्टर ज्ञान सागर है,
लेकिन व्यर्थ और माया से जैसे इनोसेंट है, जैसे अविद्या है व्यर्थ और माया की, जैसे देवताएं इनसे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। क्योंकि जब अपने अंदर वो संस्कार खत्म हो जाएंगे ना व्यर्थ और माया के, तो सामने परिस्थिति और वायुमंडल का हम पर असर नहीं होगा, क्योंकि बाहर की बातें अंदर के संस्कारों के साथ ही टकराते हैं। तो अंदर व्यर्थ और माया के संस्कार खत्म कर देंगे, इनोसेंट बन जाएंगे, तो बाहर कैसा भी वायुमंडल हो उसका हम पर प्रभाव नहीं होगा। तो बाबा कहते जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है ना। व्यर्थ का जोश ऐसा होता है, इतने व्यर्थ संकल्प चलते कि सारा ज्ञान याद सब बुद्धि से धुल जाते हैं। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, है ना। ब्रह्मा बाबा के कदम को पहले समझना है। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला कदम क्या बढ़ाया, सर्वांश त्यागी। बाबा मिला, सब कुछ मिला, पुरानी दुनिया की हर बात से बुद्धि निकाल ले, है ना। बाबा ने हर बात में सहनशीलता का पाठ पक्का किया। बाबा के हर कदम को हमें पहले समझना है कि बाबा ने किस प्रकार से चलन चली, कैसे बाबा ब्रह्मा सो देवता, ब्रह्मा सो नारायण बने, और जब उस कदम पर कदम रखे, फॉलो करें, तो हम भी बाप समान बनेंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनते हैं। 11 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त इशारे। जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। आज अंडरलाइन करो संस्कार मिलन की परिभाषा को। एक दोस्त के संस्कारों को जान करके स्नेह के आधार से एक दो से मिलजुल कर रहना। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो ना, उनके संस्कारों का माइंड नहीं करते। ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव बनो। सब पता है इसका ये संस्कार है, ये है, लेकिन सरल है, उस संस्कार को माइंड नहीं करते। अच्छा, ओम शांति।